कैथल में गौरव मित्तल पाडला ने भाजपा प्रत्याशी लीला राम के लिए भरी हुंकार, हजारों कार्यकर्ताओं ने दिया साथ। रणदीप सुरजेवाला पर निशाना साधते हुए गौरव मित्तल ने परिवारवाद हटाओ कैथल बचाओ सम्मेलन का आयोजन किया। परिवारवाद हटाओ कैथल बचाओ सम्मेलन में गौरव मित्तल ने रणदीप व आदित्य सुरजेवाला पर जमकर जुबानी हमला बोला। बता दें कि कैथल के जिंद रोड स्थित मॉडल टाउन में परिवारवाद हटाओ कैथल बचाओ सम्मेलन का आयोजन भाजपा के युवा नेता गौरव मित्तल पाटला द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा प्रत्याशी लीला राम सहित सुरेश गर्ग, नौच, कृष्ण बंसल, रवि भूषण गर्ग पहुंचे। सम्मेलन के माध्यम से सभी वक्ताओं ने कैथल हलके को परिवारवाद से मुक्ति दिलाने पर जोर दिया और कहा कि गुलामी की इस जंजीर को तोड़कर आजाद होने का अब समय आ गया है। यहाँ पर आए हमारे माननीय विधायक जी श्री लीला राम जी, हमारे जिला अध्यक्ष श्री मनीष कटवाड़ जी व उनके साथ आए सभी अतिथिगण, मैं आप सबका यहाँ पर धन्यवाद करती हूँ। और मेरे सामने बैठे मेरे सभी पूजनीय, आपका भी मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि आप सभी को पता ही है, इस 5 अक्टूबर 2024 को विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि जिस तरह से आपने हमारे माननीय सांसद जी श्री नवीन जिंदल जी को 18,000 प्लस वोटों से जिता करके दिल्ली पहुंचाने का कार्य किया, उसी प्रकार आप हमारे माननीय विधायक श्री लीला राम जी को भी भारी मतों से जिता करके चंडीगढ़ विधानसभा भेजने का कार्य करें। मैं आप सबकी आभारी रहूंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। साथियों, केवल 3 शब्द में अपनी बात कहूंगा कि जिस प्रकार से एक पिता अपने बच्चे को बहुत ही ज्यादा पढ़ाता है, लिखाता है, जिस तरह से नेता का बेटा नेता बनता है, आज उस प्रथा को हमने तोड़ना है। व्यापारी का बेटा व्यापारी बनता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, उसी प्रकार साथियों, एक व्यक्ति अपने बेटे को पढ़ा लिखा करके विदेश भेज देता है। हर माँ बाप सोचता है मेरा बच्चा अच्छा पढ़े लिखे, लिख करके विदेश जाए। एक साल बीतता है, 2 साल बीतते हैं, 3 साल बीतते हैं, कुछ वर्षों बाद अपने बेटे से मिलने विदेश जाता है, अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखता है, कहता है बेटा आज मुझे बता कि इस दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी कौन है। बेटा कहता है पिताश्री मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी हूं। पिता थोड़ा मायूस होता है, मद आंखों से वहां से चल पड़ता है, सोचता है कि मैंने तुझे इतना पढ़ाया लिखाया, इतनी गरीबी में भी मजदूरी कर कर अपने बच्चों का पेट का पालन पोषण कर कर तुझे अमेरिका जैसे शहर में भेजा और तू आज कह रहा कि मैं इस दुनिया में सबसे ताकतवर आदमी हूं। कुछ दूरी पर जाता है, एक बार फिर अपने बेटे की तरफ देखता है, कहता है बेटा एक बार फिर सोच समझ कर बता कि इस दुनिया में सबसे ताकतवर आदमी कौन है। बेटा कहता है पिताश्री आप इस दुनिया में सबसे ताकतवर आदमी हैं। पिता एकदम आश्चर्य होता है, अपने बेटे की तरफ देखता है, अपने बेटे को गले लगाता है और पूछता है कि बेटा अब तो तू कह रहा था कि मैं इस दुनिया में सबसे ताकतवर आदमी, अचानक से तेरा पिता इस दुनिया में सबसे ताकतवर आदमी कैसे हो गया। बेटे का सिर्फ साथियों एक ही शब्द में उत्तर आता है कि पिताश्री जब आप मेरे बगल में मेरे साथ खड़े थे, आपका हाथ मेरे कंधे के ऊपर था, तब मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी था। आज आपका हाथ मेरे कंधे के ऊपर नहीं, मैं दुनिया का सबसे कमजोर और सबसे कायर आदमी हूं। तो साथियों उसी प्रकार
जब तक इस हलके के ऊपर, इस पूरी विधानसभा के ऊपर भाई लीलाराम जी का हाथ आपके सर के ऊपर रहेगा, आप दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी होंगे साथियों। तो मैं कहता हूं, अरे सुरजेवाला साहब, अरे सुरजेवाला साहब, जब तेरा कैथल आने का समय था, अरे तू तो उस समय जींद, नरवाना, राजस्थान जैसे शहरों में था। अब क्या फायदा तेरा कैथल में आने का, जब तुझे कोई चाहने वाला ही ना रहा। और साथियों, आज इस रणदीप सिंह सुरजेवाले ने अपना पप्पू आदित्य सुरजेवाला मैदान में उतार दिया। मैं पूछना चाहता हूं उस पप्पू से और उसके पिता से, जब हमारा कैथल जल रहा था, जब रणदीप सिंह सुरजेवाले के गुंडों ने हमारी दुकानें जलाई थी, जब कहां था उसका पप्पू? क्या वो जवाब देगा इस शहर के लोगों को? और जब कोरोना जैसी भयंकर महामारी से हमारा देश झुंझलाहट हो रहा था, गरीबों का बेटा हो चाहे अमीर का बेटा हो, तड़प तड़प कर उस कोरोना महामारी में मर रहा था, तब साथियों उसका बेटा अमेरिका बैठा था, कहां गए थे आदित्य सुरजेवाला जी? क्या वो जवाब देंगे मेरे शहर के लोगों को? और जब 2014 के शासनकाल से पहले कांग्रेस के गुंडे इस शहर के अंदर आतंक मचाया करते थे, घरों में घुस करके बच्चे को के मां बाप को चाकुओं से साथियों रोन दिया जाता था, जब उसकी भोड़िया उसकी माता देवा चौक पर सिर मार मार कर कहती थी कि मेरे पिता का, मेरे बच्चों का हत्यारा ये रणदीप सिंह के गुंडे ने किया, तब कहां गए थे आदित्य सुरजेवाला जी और उसके पिता और उसके बेटे पप्पू कहां गए थे? क्या वो जवाब देंगे शहर के लोगों को? अरे रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, जिन वोटरों ने, जिन मेरी इस मातृशक्ति ने आपकी और आपके पिता को तीन तीन चार चार विधायक बार विधायक बनाया, आपने तो साथियों रणदीप सिंह सुरजेवाला तो आपको भी नहीं छोड़ा, आपको भी राक्षस बोलिया। और हमारी महिला हेमा मालिनी, अरे इसने तो महिलाओं का भी अपमान किया, क्या वो जवाब देंगे इस शहर के लोगों को? साथियों जवाब देना पड़ता है काम करके। यूं शहरों में बड़े बड़े होल्डिंग लगवाकर, यूं अखबारों में बड़ी बड़ी न्यूज़ें लगवाकर जवाब नहीं दिया जाता मेरे भाइयों। हमारे शहर ने जवाब दिया था, हमारे विधायक श्री लीला राम जी ने जवाब दिया था, जब साथियों एक नेता एक मंत्री होकर भी हमारे शहर के अंदर आज तक साथियों कोई बड़ा उद्योग या बड़ा प्रोजेक्ट कोई शहर में लेकर नहीं आया। और एक हमारे विधायक जो कोई साथियों मंत्री नहीं थे, सिर्फ एक विधायक से सरकार से लड़ करके आप साथियों के लिए साथियों 1000 करोड़ रुपया से बनने वाला मेडिकल कॉलेज आपके बीच में लेकर आया। ये होता है काम। हमारे नायब सैनी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया था, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने जवाब दिया था, चाहे साथियों वो गरीब का बेटा हो, चाहे मेरा किसान का बेटा हो, चाहे मजदूर का बेटा हो, बिना खर्ची और बिना पर्ची के सम्मान रूप से विकास कार्य ऐसे लगे और हर घर में नौकरी देने का काम किया था। और आज हमारे समाज में ओबीसी मोर्चा का सबसे एक सामान्य परिवार से आने वाला व्यक्ति साथियों आज चंडीगढ़ के अंदर मुख्यमंत्री है। ये होता है जवाब देना साथियों। साथियों मैं तो आप सबसे, मेरे सामने जो हर मेरा पिता के तुल्य बड़े बुजुर्ग, मेरी माताएं बहनें, मैं तो आपसे एक ही बात कहूंगा साथियों, आप सिकंदर हो, सिकंदर, सिकंदर किसी हालात के आगे झुका नहीं करता साथियों। तारा टूट भी जाए कभी जमी पे नहीं गिरता, अरे गिरते हैं हजारों दरिया समुंदर में, लेकिन समुंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। अरे
हम सब साथियों को तो पता था कि सुरजेवाला कैथल को बर्बाद करेगा। अरे हमें पता था सुरजेवाला कैथल को बर्बाद करेगा। हम लोगों ने, आप जैसे लोगों ने उसको फिर एक बार मौका दिया था। अरे साथियों, जो खुद अंग्रेज की औलाद है वो आपकी सुरक्षा और सुरक्षा क्या करेगा। आज साथियों मेरे सामने हर बुजुर्ग, हर महिला, हर बच्चा, हर नौजवान बैठा है। आज साथियों एक नारा लगा दो ताकि उस सुरजेवाले की कानों तक उसके रोंगटे खड़े हो जाएं। अब की बार नहीं साथियों, सुरजेवाला बाहर, अब की बार, अब की बार, अब की बार। परंतु ये आपका प्यार, ये आपका प्रेम, ये आपका त्याग, ये आपकी तपस्या दर्शाती है कि आप 5 अक्टूबर को कैथल नहीं, हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। आपके इरादे मजबूत हैं। भाई सुरेश गर्ग जी ने राजनीति से ऊपर उठ करके विस्तार से बताने का काम किया और उसकी तुलना कागजी फूलों से और असली फूलों से की, और सच्चाई भी है। साथियों, हरियाणा प्रदेश के अंदर 2-1.5 महीना पहले आम लोगों की भाषा कुछ और थी। आपकी बात तो सरकार बदल जाएगी, ये हो जाएगा, वो हार जाएगा, वो हार जाएगा। परंतु जैसे जैसे नेताओं ने बोलना शुरू किया, जैसे जैसे कांग्रेस वालों ने भी बोलना शुरू किया और उनकी पोल पट्टी खुलनी शुरू हुई, हरियाणा की जनता का मन बढ़ा कि हमने भाई और कांग्रेस के राज के पुराने 10 साल वो याद आए। चाहे फिर व्यापारी है, कर्मचारी है, किसान है, मजदूर है, हमारी बहनें, महिलाएं हैं, चाहे छात्र है, स्टूडेंट्स है, सबका मन बदला और उन्होंने सोचा कि यह सच्चाई है। अगर तुलनात्मक दृष्टि से तुलना करें, चाहे लैंड और ऑर्डर की बात हो, चाहे विकास कार्यों की बात हो, चाहे लोगों के मान सम्मान की बात हो, चाहे कांग्रेस वालों की गुंडागर्दी की बात हो, सारी बातों का लोग जब अध्ययन करते हैं तो इस नतीजे में पहुंचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियत साफ है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही हमारे लिए उपयोगी है और इसलिए आपने मन बनाया कि अब धीरे 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 ग्राफ भारतीय जनता पार्टी का बहुमत से ऊपर चला गया और हमारे कांग्रेस वाले सुरजेवाला जी जैसे जिन्होंने दुनिया को बका रखा था, तेरे को टिकट दुआऊंगा, तेरे को टिकट दुआऊंगा, आज धरातल पर पटक दिया। आपने, हमने नहीं पटक गए, कांग्रेस वाले नहीं पटक दिया साथी। परंतु इसकी आदत है, जैसे कई बार एक आदमी किसी को एक थप्पड़ मार दे, वो बेचारा कमजोर सा वो फेंक आएगा, इसका मार का दिखा, फिर उसका अगला दर्द दे दूसरा, फिर तीसरी बार फेर कहेगा इनका मार का दिया, अगला मारना ही हट जाएगा, यार तो बेशर्म है, इसका केस मारना मुड़ना है। इन कांग्रेस वाले की ये आदत है सुरजेवाला की, मुख्यमंत्री बनूंगा, मुख्यमंत्री बनूंगा, जैसे बच्चे करते हैं ना, भूपेंद्र हुड्डा ने एक ठोकर मारी जयपुर फेंक दिया ठाकर। सौ दिन आई थी, विधानसभा का चुनाव आ गया, विधानसभा का चुनाव आ गया, बस मन्ने को मन देते हो और विधानसभा के चक्कर में साथियों कई तो हमारी जाट समाज से है बहन श्वेता ढूल, श्वेता ढूल है, श्वेता ढूल है, उसको बता दिया कि आपको मैं टिकट दिलवाऊंगा, आपको विधायक बनाऊंगा, आप केंद्र में मंत्री बनाओगी, यहां से कम मेरे जैसा गरीब घर का छोरा ही सतबीर भाणा जी पुंडरी से और चीका के अंदर नरेश पूर्व विधायक अमर सिंह का लड़का बुट्टा सिंह एकल कम भी कहीं कहीं टिकट देकर रखा। भाई एकल कमे एक तो दे दे, चार चार पांच पांच टिकट दे दिया बैरी, इसी तरह राजनीति करता है। तो साथियों जब रिजल्ट आया, जब लिस्ट आई,
उन भाइयों का तो नाम कहां था, नेताजी का भी नाम कहीं पहली चार लिस्टों में नहीं आया, इसकी घीस बांधी कांग्रेस हरियाणा। और फिर मेरे को लगता है कड़ी भूपेंद्र हुड्डा के पैर पकड़े होंगे, सोनिया सानिया के कहीं गोड्डे बोसते होंगे, जब जाकर इसको फिर भी नहीं दी टिकट। इसके लड़का एक आदित्य पता नहीं कहां से ले आया, अमेरिका से करता है आदित्य सुरजेवाला। देखो बच्चे तो सबके सीर के हैं, वो हमारा भी बच्चा ही है, परंतु मैं तो उसको सलाह दूं बेटे तेरा बाप वाली नीतियों पर ना चल, तू अपना अमेरिका में पढ़े वहीं जाके काम कर, यहाँ तो तेरे को तेरे दादा के कारनामे तेरे बाप के कारनामे ये देखने को मिलेंगे। और ये ईमानदारी से मैं कहता हूँ साथियों, आप 5 तारीख को इसकी जड़ पाड़ का राम ना दिखा दो, 6 तारीख में ये अमरीका भग जाएगा।